हेलो फ्रेंड्स, यह है सुजाता मिक्सर ग्राइंडर और बहुत ही अच्छा मिक्सर ग्राइंडर है। लेकिन होता यह है कि हम या हमारे घर की गृहिणियाँ जो होती हैं वो जार को जब भी रखती हैं तो ये जो लॉक बने रहते हैं इसमें, ये लॉक इसमें फंसाती नहीं है जार को ठीक से और मिक्सर ऑन कर देती हैं तो बेचारा चलता तो है लेकिन उसके जो दांते रहते हैं अंत में पूरे पूरे घिस जाते हैं। देखिए कितने पूरा प्लेन हो गया, ये बिल्कुल प्लेन हो गया और अब इसे चेंज करने की ज़रूरत है। सुजाता मिक्सर ग्राइंडर के साथ मुझे एक कपलर भी इस पैकेट में मिला था, दिखा दे रहा हूँ आपको, ये पैकेट है, इसके साथ एक कपलर मिला और 3 स्क्रू मिले थे। हाँ, तो मैं ये वीडियो खासकर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला कपलर चेंज करना है या गियर चेंज करना है तो यूट्यूब में देख लेता हूँ, तो मैंने देखा तो इतनी लंबी प्रोसेस दी हुई है जबकि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये 3 स्क्रू बने हुए हैं, ये, ये और ये, बस इसे आपको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद ये देखिए ये अपने आप ये पूरा आ गया, इसमें स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है। आप इसको रख दीजिए और नया जो कपलर मुझे मिला था इसके साथ मैंने उसको यहाँ पे फंसा दिया है, ठीक। अब मैं वापस स्क्रू टाइट कर दूंगा और ये हमारा मिक्सर जो है बिल्कुल अप टू डेट हो जाएगा। मैं इसे टाइट करके आपको बता रहा हूँ। ये मैंने ये तीनों नट को टाइट कर दिया है, ये देखिए ये एक नट, ये दूसरा और ये तीसरा, ये बिल्कुल गियर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और आप प्लीज़ ध्यान रखिए और घर में भी अपने सदस्य को जो मिक्सी को ऑपरेट करने उन्हें बताइए कि जब भी जार मिक्सी में रखें, ये देखिए लॉक्स बने हुए हैं, ये दो लॉक्स बने हुए हैं, इसमें जार को अच्छे से क्लॉकवाइज घुमा के अच्छे से लॉक करना है, उसके बाद ही मिक्सी ऑपरेट करनी है, तब ये सालों साल चलेगा। अदरवाइज़ होता ये है कि इन लोग लॉक करते नहीं हैं, उसके कारण ये जो दाते हैं ये घिसने लगते हैं। और अब देखिए पुराने मिक्सर का क्या हालत हो गई है, दाते पूरे ही घिस गए इसके दाते। तो प्लीज़ बहुत आसान है इन कपलर को चेंज करना। मैंने क्या किया फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आप रिवाइंड हालांकि कर सकते हैं। ये तीनों स्क्रू को खोलना है और ये इसको निकाल के वापस नया वाला जो है लगा देना है, ओके। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है और मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था इस वीडियो को बनाने का, लेकिन मैंने सोचा इतने सारे वीडियो दिए हुए लेकिन सब में बहुत लंबी प्रोसेस दिए, पूरा मिक्सी को नीचे से खोलना पड़ता था और फिर लॉक करना पड़ता था, जो भी प्रोसेस है, ओके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अपने घर में अपने गृहिणियों को, घर के बच्चों को या जो भी मिक्सी ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें बताइए कि हमेशा जार को लॉक बाकायदा करें, उसके बाद ही मिक्सर ऑपरेट करें। थैंक यू and I hope this video will beneficial for you all. Please like, share and subscribe. Thank you.